इंग्लिश ना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। यू ऑल आर हियरिंग मी? यस सर। यस नाउ सी सी बेटा। बेटा टुडे इज द टर्न फ्यूचर परफेक्ट टेंस राइट। हेलो। यस सर। यस सर। यस ओपन बुक नाउ एंड सी देयर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए दिस इज आल्सो वेरी इजी ओनली यू हैव टू फोकस एंड लिसन केयरफुली हियर। नाउ सी बेटा देखिए आपको दिया गया फ्यूचर ध्यान देंगे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस राइट। दिखाई दे रहा है बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस? नहीं दिख रहा है? नो सर नहीं दिख रहा है। नो सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा ज्यादा ऊपर हो गया। चलिए डोंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप दिख रहा है बेटा? यस सर। एक्सरसाइज करा दीजिए। कौन सी एक्सरसाइज बोल रहे हैं आप? जो होमवर्क दिए थे उसी में से बी नंबर का करा दीजिए। समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा बी का चलिए बता देते हैं। ये थोड़ा सा देख लीजिए इसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे बताएंगे आपको ठीक है बेटा। इसको आपको थोड़ा समझा देते हैं एक्सप्लेन कर देते हैं फिर आपकी बात हम सुनेंगे डोंट माइंड ओके। हेलो। यस सर। हाँ देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है आपको हम ये बताने जा रहे हैं फर्स्ट आप सी द स्ट्रक्चर दिख रहा है ठीक राइट। अब देखिए इसमें सबसे पहले जो आपको लिखना है सब्जेक्ट राइट जस्ट आफ्टर ध्यान दीजिएगा व्हील will slash shall plus have plus be third form plus object plus other words। आपको दिख रहा है बेटा? listen again subject plus will slash shall plus have plus be third form plus object plus other words। आप जानते हैं कि सेल का प्रयोग ऑलवेज यूज विथ आई एंड वी। यस एंड विल का प्रयोग जो है अदर सब्जेक्ट सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ बेटा कि आई वी को छोड़ करके जितने हमारे सब्जेक्ट हैं चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल है आप दोनों को जो है क्या करेंगे बोलिए आपको विल का इस्तेमाल करना होगा। Just after you will use have, be third form, object and other words. Now see the example. अब example देखिए आप जैसे आपको दिया गया फर्स्ट आप यू नीड द सब्जेक्ट सब्जेक्ट चाहिए यू विल राइट हियर ही राइट क्या हो गया आपका ये ही हो गया सब्जेक्ट। अब ये देखना है कि आपको will और shall में से क्या इस्तेमाल करना है। आप ऊपर देखिए हमने इंडिकेशन दे दिया है कि सेल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ आपका सब्जेक्ट ही है तो यू विल यूज हियर विल आपका क्या हो जाएगा विल डब्ल्यू आई डब्ल्यू एल विल। जस्ट आफ्टर आपको क्या लिखना है हैव यू विल लाइट हियर हैव एंड जस्ट आफ्टर यू नीड बी थर्ड फॉर्म कोई सा थर्ड फॉर्म ले लीजिए यहाँ पे हमने इस्तेमाल कर दिया गॉन गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है आपको टू स्कूल जैसे लिख दिया आपने
यहाँ पे ऐसे ही वर्ड इस्तेमाल करना है जो सेंस को पूरा करे। स्कूल हो गया आपका, और उसके बाद ये दिया गया है क्या अदरवर्स, अगर जरूरत है तो आप लिखिए, नहीं जरूरत है डोंट राइट, नहीं लिखने की जरूरत है मत लिखिए आप। तो इस तरीके से यू कैन राइट एनी सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हम सीख रहे हैं कौन सी सेंटेंस है, दिस सेंटेंस बिलोंग टू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के लिए यस। और देखिए एग्जांपल, आप एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं टू नंबर से, आप देखिए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे हम ले रहे हैं आपका सब्जेक्ट हो गया वी, वी हमारा क्या हो गया प्यूलर, फर्स्ट अलाप यूनिट सब्जेक्ट आई हैव रिटन हियर सब्जेक्ट वी एंड वी इज प्यूलर। तो हमें प्यूलर सिंगुलर से इसमें नहीं सेंस होता है, सिर्फ ये ध्यान देना है कि आई वी के साथ सेल इस्तेमाल होगा, बाकी सबके साथ वी दिया गया। यू लाइट हियर सेल राइट, जस्ट आफ्टर यू नीड हैव यू लाइट हियर हैव एंड जस्ट आफ्टर यू नीड आल्सो व्हाट, ध्यान दीजिएगा आपको क्या चाहिए। बी थर्ड फॉर्म, कोई सा भी थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया रन, रन रेन रन होता है, तो रन भी आपका क्या है थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम लिख सकते हैं इन द फील्ड, एफ आई ई एल डी फील्ड, इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। अब ये बताइए इसमें क्या डाउट हो रहा है, एनी स्टूडेंट्स व्हिच टाइप प्रॉब्लम इज नो सर नो डाउट राइट। चलिए अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इसको अगर आपको निगेटिव में चेंज करना होगा तो हाउ यू चेंज। निगेटिव सेंटेंस लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपको दिया गया विल और सेल दिया गया बेटा, इसके तुरंत बाद जो है नॉट का प्रयोग करना होगा। जैसे मान लीजिए हम इसी सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करना चाहें तो ही विल और जो हैव दिया गया यहाँ पर जो आपको नॉट का इस्तेमाल कर देना है, यानी विल और सेल के बाद क्या आएगा नॉट, तो क्या लिखेंगे ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। इस तरीके से अगर इसको भी आप निगेटिव में चेंज करना चाहें तो ही विल यूज नॉट जस्ट आफ्टर सेल, तो ही विल राइट हियर नॉट, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा नॉट। तो आप बताइए कोई डाउट आपके लिए, नो सर नो डाउट। चलिए एक दो और देख लीजिए निगेटिव और इंट्रोगेटिव का, फिर हम आपको एक्सरसाइज भी ले चलेंगे बेटा। नाउ सी जैसे मान लीजिए हम जो है ये चाहते हैं कि इंट्रोगेटिव में लिखें, इंट्रोगेटिव के लिए क्या करना होगा, विल और सेल को जो है सब्जेक्ट से पहले लिखना होगा राइट। तो जैसे हमें इंट्रोगेटिव में लिखना है एनी सेंटेंस, जैसे हमने फर्स्ट अलाप क्या कर दिया विल राइट, विल और सेल जो आप देख रहे हैं इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए इनका प्रयोग बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले करना होगा। तो आई हैव रिटन हियर विल, जब विल आ गया तो आप जानते हैं कि आई भी नहीं आएगा, किसी भी हाल में विल दिया है तो हमारा अदर वर्ड्स आना चाहिए इसके बजाय, यानी जो आई भी के बजाय अन्य कोई सा भी सब्जेक्ट चाहिए। तो हमने लिख दिया विल, सपोज हमने लिख दिया यहाँ पर दे राइट, दे राइट, उसके बाद जो हैव आता है ये हैव, यहाँ पे जो है आप क्या लिखेंगे हैव राइट, हैव हो जाएगा विल दे हैव, थर्ड फॉर्म चाहिए हमने कर दिया गॉन टू, ध्यान दीजिएगा स्कूल, इस तरीके से आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको कोई डाउट हो रहा है, नो सर। चलिए नो नो डाउट, अगर कहिए तो हम इसका इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर लिख दें, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो स्टूडेंट्स नो इट इज क्लियर, जरूरत तो नहीं है ना, या है जैसा आप बताइए। नो सर। ओके अब देखिएगा ये इंट्रोगेटिव का एक एग्जांपल हो गया, सेकंड और देख लीजिए। जैसे हमने इस्तेमाल कर दिया सेल, आई हैव रिटन हियर फर्स्ट अलाप सेल, तो सेल का मतलब आप समझ गए होंगे कि जस्ट आफ्टर आपका सब्जेक्ट आई या वी होना चाहिए राइट। तो हमने लिख दिया यहाँ पर क्या चीज आई, सेल आई, उसके बाद आपको क्या लिखना है हैव, ध्यान दीजिएगा हैव आपने कर दिया, जस्ट आफ्टर कोई सा वर्ब, जैसे कम केम कम होता है तो आपका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा कम, फ्रॉम ध्यान दीजिएगा फ्रॉम स्कूल,
इस तरीके से शैल आई हैव कम फ्रॉम स्कूल, क्या मैं स्कूल से आ चुका हूंगा, इस सेंस में आप नोट कर सकते हैं। तो ये हमारी सेंटेंस क्या होगी, इंट्रोगेटिव। अब हम आपको ये बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर अगर आपको इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों में अगर लिखना होगा तो वेयर यू विल यूज नॉट, ऐसे सेंटेंसों में आप नॉट का प्रयोग कहां पे करेंगे। तो आप हमेशा याद रखिए बेटा, यू ऑलवेज लर्न सेटम योर माइंड वाइल योर सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव इन दैट पीरियड नॉट इज ऑलवेज यूज जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए इसी सेंटेंस को हमने फर्स्ट सेंटेंस को क्या करना है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव में इसको लिखना है। अभी हमारी सेंटेंस किस में है, केवल इंट्रोगेटिव में है, बट यू वॉन्ट टू चेंज दिस सेंटेंस इंटू इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, तो कैसे करोगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर जो है देखिए, इसको हम यहाँ पर दोबारा लिख के नीचे बता देते हैं, विल का विल लिखेंगे राइट, ये आपका विल का विल हो जाएगा। यू विल ऑल्सो राइट सेम सब्जेक्ट, ये दे हो जाएगा। और उसके बाद निगेटिव में चेंज करने के लिए इसको यहाँ पे तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे क्या चीज, हैव हैव, और जस्ट आफ्टर क्या हो जाएगा, गॉन टू स्कूल। अब आप ये बताएं इसमें आपको किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है बेटा स्टूडेंट्स? नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। हाँ बोलिए, कोई बच्चा पूछ रहा है बेटा, एनी स्टूडेंट इज आस्किंग समथिंग, एनी डाउट? नो सर। चलिए, नो सर। ओके बेटा, अब हम आपको ये बताएंगे इसमें कि जैसे ये तो आपका विल और शैल से स्टार्टेड था, यस नो टाइप का था ये हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम ये बताना चाहते हैं कि अगर इसको डब्ल्यू एच टाइप में यूज करना चाहे, डब्ल्यू एच टाइप अगर क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करना चाहे तो कैसे करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको विल या शैल से पहले क्वेश्चन वर्डों का बिफोर विल या शैल राइट, तो इस तरीके से कर देंगे आप। जैसे दिया है विल दे नॉट हैव गॉन टू स्कूल, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं वाई, ध्यान दीजिएगा, वाई दे नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वे स्कूल क्यों नहीं जा चुके होंगे। इस सेंस में यू कैन राइट इन डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये जरूर ध्यान देना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कौन सी सेंटेंस में करना है, ये आपके सेंस के ऊपर निर्भर करेगा कि किस टाइप की सेंस उस सेंटेंस में आ रही है। और कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। चलिए, नो सर। अब हम आप, हाँ बोलिए, अगर इसमें कोई डाउट नहीं हो तो हम फिर आगे एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे बेटा। बोलिए, बढ़े? नो डाउट। राइट, नाउ सी, ओपन योर बुक बेटा। अब आप अपने बुक ओपन कर लें और वहां पे फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएं। देखिए पेज नंबर है, पेज नंबर 131 नोट कर लीजिए, आपका पेज नंबर जो हो जाएगा बेटा 131। कोई डाउट? हेलो सर। चलिए, नो सर। अब हम आपको उसमें बताएंगे कि क्या उसमें करने हैं, कैसे करने हैं। देखो आप जरा गौर से देखते रहिए आप। ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, श्योर अंडरस्टैंड। नाउ सी एक्सरसाइज ए, इसमें एक्सरसाइज ए में आपको देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है, जरा गौर से देखो। पहले उसमें इंट्रक्शन क्या दिया है उसको सुनो, उसके बाद आप करेंगे। देखिए बुक में क्या दिया है, रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग देम इनटू द फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूजिंग द टाइम एक्सप्रेशन गिवन इन द ब्रैकेट। यानी इसमें ये दिया गया कि जो सेंटेंस लिखी गई है उनको क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट में लिखना है बेटा। तो आइए पहले हम ये देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है और क्या हमें करना है।
पहले देखिए लिखा है द वर्कर्स बिल्ट द बिल्डिंग, ध्यान दीजिएगा द वर्कर, ध्यान दीजिएगा वर्कर्स, उसके बाद आपको लिखा है बिल्ट और जो आपको दिया गया है द बिल्डिंग, द बिल्डिंग, बिल्डिंग हो गया और ब्रैकेट में लिखा है, ध्यान दीजिएगा आपके बुक में दिया है, अच्छा वहां पे बिल्डिंग के बाद स्पेस नहीं दिया है तो चलिए मैं यहां नीचे लिख देता हूं, ब्रैकेट में उसमें आगे लिखा हुआ है बाय दिस मंथ, ध्यान दीजिएगा इसमें लिखा बाय दिस मंथ, मंथ बेटा ये सबको दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ अब इसमें देखिए क्या करना है, हम ये बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि जो हमारी सेंटेंस ये दी गई है यह किस टेंस में है, कोई बताएगा एनीबॉडी? प्राची और प्रकाशा कंप्यूटर्स वर्ड, ये क्या कुछ नाम नहीं क्लियर हो पा रहा है, चलिए कोई भी जिस बच्चे को समझ में आ रहा है कोई बताए कि ये किस टेंस की वाक्य है अभी जो लिखी हुई है, एनीबॉडी? सर पास्ट इंडेफिनिट। वेरी गुड, वेल डन। इस समय हमारी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, जो बच्चा बता रहा है, जो स्टूडेंट बता रहा है, थैंक्स लॉट ऑफ यू बेटा, सभी लोग इस तरीके से पढ़िए और जानिए। अगर आप पहचान नहीं पाएंगे, इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हिच टेंस दिस सेंटेंस बिलोंग, इन दैट केस यू विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, इस वजह से पहचानिए। इस समय हमारी सेंटेंस जो है किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन हमें चेंज किस में करना है, फ्यूचर परफेक्ट में। अब आइए देखिए हम कैसे इसको चेंज करते हैं, हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। यहाँ पे देखिए सब लोग ध्यान से, ये फ्यूचर परफेक्ट का हमने स्ट्रक्चर लिख रखा है, आप गौर से देखिए इसी को फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इसको आंसर, गौर से देखिए सब लोग, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, स्ट्रक्चर का फॉलो करें बेटा, सबसे पहले चाहिए यूनिट सब्जेक्ट। अब हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है, द वर्कर्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे द वर्कर्स, वर्कर्स हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद यहाँ देखिए विल और सेल में से कोई एक इस्तेमाल करना है, आप जानते हैं कि सेल का उपयोग केवल आईडी के साथ होता है, तो यहाँ पे दिया नहीं है, विल होगा। यस यू विल राइट हियर विल, विल हो गया। अब इसके बाद देखिए हैव चाहिए, तो यू विल राइट हियर आल्सो हियर हैव हो गया। बी थर्ड फॉर्म चाहिए, तो देखिए इसमें जो है इस सेंटेंस में जो बिल्ट लिखा है ये सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म में भी बिल्ट ही होता है बी यू आई एल टी, तो यहाँ भी आपका बी यू आई एल टी बिल्ट ही हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्ब है जिनका बी टू और बी थर्ड यानी सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है बेटा, इस वजह से आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल्ट ही लिख देंगे। और उसके बाद जो लिखा है द बिल्डिंग, ध्यान दीजिएगा द बिल्डिंग का बिल्डिंग ही रहेगा बी यू आई एल डी आई एन जी बिल्डिंग, और आपके देखिए जो ब्रैकेट में लिखा हुआ यानी ब्रैकेट में बाय दिस मंथ जो लिखा हुआ है इसको यहाँ लिखना होगा बाय, और उसके बाद लिखेंगे आप दिस मंथ एम ओ एन टी एच। अब आप ये बताइए सब लोग कि ये हम जो टीच किया है जो बताए हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो प्लीज आस्क मी, आई विल ऑल्सो टीच यू अगेन, मैं दोबारा बताऊंगा। यस टेल मी, सर आ रहा है। चलिए कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिनको नहीं समझ में आ रहा है, एनीबॉडी कोई है ऐसा? नो सर। नो, तो इस तरीके से आपको सारी सेंटेंसों को चेंज करना है एक्सरसाइज ए में, कोई डाउट आपके लिए? नो सर। नो सर। चलिए अब इसमें जो है आपको हम एक और चीज बता दें, ये जो हम स्ट्रक्चर जो लिखे हैं बेटा स्ट्रक्चर, ये आपको कब पालन करना है, जब जो है सेंटेंस हमारी एक होती है सिंगुलर,
और इसमें जो है कभी कभी दो सेंटेंस आती है, दो सेंटेंस भी होती है, तो उसके लिए क्या करेंगे उसको हम बता देते हैं। इतना ये समझ में आ गया है आपको, नहीं आया? यस सर, सर आ गया। तो चलिए ठीक है, हम दूसरे वाले को बताएंगे। जरा इसमें और देख लेते हैं कि इस पे और भी इसके आधार पे कुछ है तो उसको कर लीजिए, अदरवाइज हम दूसरा बताते हैं। तो चलिए इसके आधार पे ही अभी अगली एक्सरसाइज आ रही है, इसी के आधार पे उसको भी देख लो। ये वाले में सब ऐसे ही करना है। ए वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम? ए में नो सर। अब बी में देखो, आप बी जो हम बताए हैं ना कि दो सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर क्या, वो हम बाद में बताएंगे। पहले ए वाले पे आपके बुक में दिया, ए वाले को पूरा करिए, फिर इसके बाद हम बताएंगे, ठीक है? तो आप इसको देखिए, एक्सरसाइज बी। अब हम बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज बी, इसी तरीके से सब लोग करेंगे। ए वाले एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा, या है? नो सर, सर एक बार और बता दीजिए। अच्छा, तो चलिए इसमें क्या डाउट हो रहा है पूछो, हम पूछेंगे तो बताएंगे बेटा। जो पूछो कौन सा क्या डाउट हो रहा है उसको बता दें, बोलो सर। सेकंड बता दीजिए। चलिए सेकंड देखो आप, जैसे इसमें ए में जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए ये लिखा है द ट्रैफिक पुलिस, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है द ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस, ध्यान दीजिए बेटा, ब्लॉक्ड ब्लॉक लिखा हुआ है, ब्लॉक्ड द रोड, द रोड्स, ये रोड्स लिखा हुआ है, रोड्स ड्यू टू, ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू वीआईपी मूवमेंट राइट। और ब्रेकेट में आपको दिया गया है बेटा, ब्रेकेट में ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है बिफोर टुमारो मॉर्निंग दिया गया है। गौर से देखो बेटा, बिल्कुल 100% गारंटी है आपको समझ में आएगा, सिर्फ देखो आप, ध्यान से देखिए, जरूर आपको समझ में आएगा। लिसन, अब हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले इस सेंटेंस को पहचानना है कि यह सेंटेंस जो है किस टेंस की है, किस टेंस की है ये पहचानना है। तो देखिए लिखा है द ट्रैफिक पुलिस, ये दिया गया है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और जो ये ब्लॉक्ड लिखा है, ब्लॉक्ड ये बेटा ब्लॉक का सेकेंड फॉर्म है, बी टू यानी दिया हुआ है। तो बी टू किस में इस्तेमाल करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस है, और हमें चेंज किस में करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। गौर से देखिए, गारंटी है आपको समझ में आएगा। तो आप सबसे पहले जब चेंज करेंगे, आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो इसमें क्या दिया? सब्जेक्ट द ट्रैफिक पुलिस। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द ट्रैफिक पुलिस, और देखिए सब्जेक्ट हमारा हो गया, हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? द ट्रैफिक पुलिस। अब उसके बाद देखिए विल और सेल में से कोई एक इस्तेमाल करना है। हमने पहले ऊपर ही लिख दिया है कि सेल का प्रयोग केवल आईवी के साथ, यहाँ पे आईवी दिया नहीं है, तो क्या इस्तेमाल होगा? विल। तो यू विल राइट हियर विल, आपका विल हो गया। उसके बाद आपको क्या लिखना है? हैव। तो हैव आप यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, हैव हो गया। बी थर्ड फॉर्म चाहिए, तो देखिए इसमें जो हमारा ब्लॉक दिया है, वर्ब ब्लॉक्ड, ये कुछ मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुछ ऐसी वर्ब है जिनका बी टू और बी थर्ड दोनों फॉर्म सेम होती है, तो ये ब्लॉक और थर्ड फॉर्म भी ब्लॉक्ड ही होगा। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए, यहाँ पे आप लिख देंगे ब्लॉक्ड, इसमें कुछ भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। और ये लिखा है द रोड्स, उसको यहाँ लिखेंगे द रोड्स, और उसके बाद जो है लिखा है ड्यू टू वी आई पी, इसमें कुछ नहीं चेंज करना है, ड्यू टू वी आई पी मूवमेंट,
मूवमेंट, और उसके बाद जो बिफोर मॉर्निंग क्वेश्चन में लिखा है ना बिफोर टुमारो मॉर्निंग, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सेम कर देना बिफोर टुमारो टुमारो मॉर्निंग। आप ये बताओ बेटा ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर एक बार ए का फोर्थ बता दीजिए। सॉरी बेटा सॉरी, दोबारा बोलिए, कुछ बच्चे एक बच्चा कोई बोल रहा था। यस सर एक बार ए का फोर्थ बता दीजिए। ए का फोर्थ राइट, अभी बताते हैं। जरा हम ए बताइए कि ये वाला आपको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। बोलिए। नो सर। चलिए अब आप कौन सा करें, फोर्थ नंबर, फोर्थ देखो आप, फोर्थ में लिखा है फाइव इयर्स विल पास। अब इसको कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। इसको रब कर दें बेटा। यस सर। यस सर। यस। देखिए इसमें आपको लिखा है आपका फोर्थ नंबर में कि फाइव इयर्स विल पास, ये लिखा है फाइव इयर्स विल पास, विल पास, और ब्रैकेट में लिखा है बाय द टाइम वी मीट अगेन, ये लिखा है बाय द टाइम वी मीट मीट अगेन, ए जी ए आई एन। ठीक, अब इसको देखो कि इसमें क्या चेंज करने की जरूरत है, गौर से देखते रहिए आप। अब जैसे इसमें लिखा है फाइव इयर्स विल पास राइट, तो इसमें कैसे करेंगे? अब इसमें यह देखना है कि इसमें सबसे पहले हम ये देखना कि ये किस टेंस की वाक्य है, अभी ये किस टेंस में है, कौन बताएगा? फ्यूचर इनडेफिनिट। वेरी गुड, वेल डन, नाइस, ये फ्यूचर इनडेफिनिट में है। हमें चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट में, तो हम फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। गौर से देखो आप, इसमें सब्जेक्ट दिया है तो इसमें भी सब्जेक्ट जो दिया है हम उसको लिखेंगे, फाइव इयर्स लिखा है, यू विल राइट हियर, आपका आंसर जाएगा फाइव इयर्स, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फाइव इयर्स आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल और सेल का में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। आप लोग बताइए क्या इस्तेमाल करेंगे, विल या सेल? विल आएगा बेटा, विल राइट, विल होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, विल के बाद जो है हमें क्या चाहिए, हैव, तो यू विल राइट हियर हैव। उसके बाद क्या चाहिए, बी थर्ड फॉर्म, अब इसमें जो है थर्ड फॉर्म चाहिए, और यहाँ क्या दिया है पास, तो पास क्या है, बी वन है, फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड चाहिए तो क्या हो जाएगा, पास्ड, पास्ड हो जाएगा। अब उसके बाद देखो आप, पास्ड हो गया, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं दिया है तो हम छोड़ देंगे। अब ये लिखा है बाय द टुमारो मीट अगेन, अब यहाँ पे जो दिया गया है बाई का बाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, बाय द टाइम वी मीट अगेन। हाँ, बाई द, अब ये क्या दे दिया गया, बाई द टाइम, ध्यान दीजिएगा, द टाइम, टाइम हो गया, उसके बाद में आपको लिखा है वी, तो वी को वी कर दीजिए, और जो मीट लिखा है मीट, ध्यान दीजिएगा बेटा मीट, ये मीट का मीट ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगेन का अगेन ही हो जाएगा। तो आप ये बताइए इसमें क्या डाउट है, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हेलो। यस सर। अब इसमें yes, कोई प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम? नो सर। चलिए अब हम आगे बढ़े बी पर, बी एक्सरसाइज बी। यस सर। चलिए अब देखिए बी में क्या लिखा है,
Complete the following sentences with negative form of the future perfect tense of the verb given in the brackets. ये बहुत इजी है, जैसे कि हमने आपको पहले बताए हैं. एक देखिए एग्जाम्पल, आपको बहुत इजी लगेगा. नाउ सी, निगेटिव फॉर्म में आपको चेंज करना है. नाउ सी बेटा, देखिए आपका क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज बी में, क्वेश्चन नंबर वन, इसमें लिखा है विक्रम. ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है विक्रम और स्पेस लोकेट लिखा है. लोकेट नहीं, री लोकेट. यस, री लोकेट ब्रैकेट बंद टू अहमदाबाद अहमदाबाद उसके बाद बाई द एंड ऑफ दिस वीक. बाई द एंड ऑफ दिस वीक. अब इसको क्या करना होगा, तो इसको निगेटिव फॉर्म में चेंज करना है. कौन से के? फ्यूचर परफेक्ट में. तो आप देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना होगा. देखो बेटा बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, वेरी सिंपल. सब्जेक्ट चाहिए, देखिए सब्जेक्ट दिया गया है विक्रम. विल और शैल में से कोई एक चाहिए, विक्रम दिया है, तो इसमें क्या आएगा, आप लोग बताइए क्या आएगा. यस, यहाँ पे आप लिखेंगे, यस बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे विल आएगा, वेरी गुड. उसके बाद देखिए हैव चाहिए, तो ही विल लाइक यू आल्सो हैव. और उसके बाद क्या चाहिए, बी थर्ड फॉर्म. तो जो ये ब्रैकेट में लिखा है रिकलेक्ट, पुनः कलेक्ट करना, तो यहाँ से ये बी वन दिया है, रिकलेक्टेड हो जाएगा. केवल इसमें डी जोड़ देना है, तो रिकलेक्टेड आपको लिखना होगा, रिकलेक्टेड, टी ई डी कलेक्टेड हो जाएगा. तो इस तरीके से बाकी सेम कर देना है, लेकिन इसको निगेटिव में भी तो करना है ना, ये निगेटिव में करना है. तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे जो है विल हैव जो लिखे हैं, इसके बीच में यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं रफ कर दे रहा हूँ. यहाँ पे इस तरीके से विल, उसके बाद नॉट कर दीजिए, तो विल नॉट हैव रिकलेक्टेड टू अहमदाबाद बाय द एंड ऑफ द वीक. कोई डाउट आपके लिए? सर इट इज नॉट रिकलेक्टेड, relocated. अच्छा, तो हो सकता है स्पेलिंग में, हाँ relocated दिया गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, relocated कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, relocated दिया गया है, located ऐसे हो जाएगा. कोई डाउट आपके लिए? नो सर. हाँ, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. अगर इसमें बी वाले में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछिए, हम दोबारा बता देते हैं. कोई डाउट? No, सब में ऐसे ही करना है बेटा, किसी में विल आएगा, किसी में शैल आएगा, हैव लिखना है और बी थर्ड फॉर्म लिखना है. ये आप ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रक्चर हमने लिखा है आपके बुक में भी दिया हुआ है और हमने भी मेंशन कर दिया है, आप लिख चुके होंगे या लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन राइट. चलिए अब आगे बढ़े. हेलो, यस सर. चलिए आप एक्सरसाइज सी पे आइए. अब एक्सरसाइज सी, ऐसा तो नहीं है बेटा कि मैं कुछ ज्यादा ही आपको वर्क करा रहा हूँ, ऐसा तो कोई नहीं लग रहा आप लोगों को कि ज्यादा लग रहा है? हाँ चलिए, ये लास्ट है, इसके बाद फिर नेक्स्ट अगली बार बताएंगे. आप इसमें केवल एक्सरसाइज और देख लो. देखिए सी में क्या दिया है, जरा गौर से देखो. लिखा है फ्रेम यस नो क्वेश्चन ऑफ दिस सेंटेंस गिवन बिलो. ये ध्यान दीजिएगा, इसमें ये कहा जा रहा है आपको कि आप जो इसको यस नो टाइप में क्वेश्चन में चेंज करना है. आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि डू यू लाइक ईटिंग मैंगोज, आप मैंगो खाना पसंद करते हैं. डू यू लाइक टू ईट मैगी, मैगी खाना पसंद करते हैं. तो अगर आप पसंद करते हैं तो बोलते हैं यस, अगर नहीं पसंद करते नो लाइक करते बोलते हैं नो. तो इसको बोलते हैं यस नो टाइप. तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यस नो टाइप को जो आंसर देते हैं, तो जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें क्या स्टडी करें, डू लगा रहे, यानी स्टार्टिंग में हमारी
हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब आ रही है, तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के द्वारा स्टार्ट करना किसी भी सेंटेंस को उसको क्या बोलते हैं, यानी यस नो टाइप के क्वेश्चन को चेंज करना। तो देखिए उसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है वन में द चीफ विल हैव प्रिपेयर, ध्यान दीजिएगा ये लिखा है द चीफ विल हैव, ध्यान दो बेटा जरूर समझ में आएगा, विल हैव प्रिपेयर्ड 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 राइट। अब उसके बाद ब्रेकफास्ट लिखा हुआ है, ब्रेकफास्ट ये आगे कुछ भी लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो आप वैसे लिख रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके बुक में लिखा हुआ है वो सारा मैटर सेम लिखना, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हम आपको सिर्फ ये बता देते हैं कि इसको हम यस नो टाइप में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए इसमें करना क्या है, गौर से देखो बेटा, जो हमारा विल दिया है विल राइट, जो हमारा विल दिया है यहाँ पे सेल हो सकता है या किसी भी टेंस की सेंटेंस हो, इसी टेंस का नहीं किसी भी टेंस की सेंटेंस हो, अगर आपको यस नो टाइप में कन्वर्ट करना है तो हमें इस विल को क्या करना होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा विल, ध्यान दीजिए विल, उसके बाद क्या हो जाएगा द सब्जेक्ट, द चीफ इसमें लिखा है सब्जेक्ट तो आपका द चीफ हो गया, उसके बाद हैव जो लिखा है वो हैव लिखेंगे, और आपको लिखा है प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड, ये जो कुछ भी लिखा है यू विल राइट सेम टू सेम और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब बताइए इसमें क्या डाउट है। नो सर नो डाउट, सब में ऐसे ही करना होगा बेटा। आइए हम एक और बता देते हैं क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में देख लीजिए ये वाला बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही, स्पीक अगेन बेटा, आई एम नॉट हियरिंग योर साउंड। राइट राइट बेटा लिसन, हम वही बता रहे हैं, यस हम ये बता रहे हैं, अगर सुनो हम वही बता रहे हैं, आप ही की बात रख रहे हैं बेटा लिसन, हम ये कह रहे हैं कि कोई सेंटेंस लिखी है, अगर आपसे कहा जा रहा है कि यस नो टाइप में आपको कन्वर्ट करना है फ्रेम करना है, तो हम केवल जो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो मॉडल वर्ब हो कोई सा भी वर्ब हो उसको सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। जैसे विल दिया है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ विल को सब्जेक्ट से इस द चीफ दूसरा सब्जेक्ट दिया उसे पहले कर दिया, विल द चीफ, उसके बाद हैव प्रिपेयर, बाकी जो भी लिखा है आगे वो सेम लिख देना है, कुछ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। एक और देख लीजिए इसे क्लियर हो जाएगा, एक और देखो आप सेकेंड नंबर, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सी एक लिख लीजिए आप समझ लीजिए, आपको बिल्कुल गारंटी है समझ में आएगा, देखो आप आपका डाउट 100% क्लियर होगा। सी यार जैसे दूसरा दिया गया है आपका सेकेंड नंबर, ये लिखा है द पार्सल विल हैव रीच्ड, ये लिखा है द पार्सल पार्सल विल हैव रीच्ड रीच्ड एट, हो गया सर बेटा टाइम इज ओवर बेटा, नेक्स्ट टुमारो बेटा, सॉरी ओके बेटा नेक्स्ट टुमारो, थैंक यू सर ओके बेटा ओके सॉरी बेटा सॉरी।